वालेकुम अस्सलाम। इनका सवाल है, मस्जिद के इमाम की तिरत गलत है और जैद ने उसी वक्त अलग से नमाज़ अदा की, जैद का ये तरीक़ा सही है क्या? अगर इमामत की जो शर्तें होनी चाहिए अगर वो ना पाई जाए तो उस वक्त अलग से नमाज़ पढ़ सकते हैं? हाँ, जैद ने अलग नमाज़ पढ़ी है तो कोई मुज़ायका नहीं है। अगर इमाम कुरान में लहने जली करता हो, लहने जली जिससे माना में फसाद आता है, नमाज फासिद हो जाती है, तो उसका अलग नमाज़ पढ़ना बिल्कुल ठीक है। अब चाहे तो आयन जमात के वक्त पढ़ ले, अलग जमात बना करना पड़े, तन्हा पढ़ रहा हो तो पढ़ सकता है। देखने वालों को ये भी लग सकता है कि सुन्नत पढ़ रहा है, नफल पढ़ रहा है, और अलग जमात बनाने में फितना फसाद का अंदेशा है। या फिर जमात होने के बाद पढ़े तब भी दुरुस्त है। बहरहाल ऐसे इमाम की इख्तिदा करनी जायज़ नहीं है, और जो सहीहुल क़िरत ना हो, सहीहुल मसाइल ना हो, तो उसे मनसबे इमामत पर नहीं रखना चाहिए।